बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मे स्टेशन 2018 रेगुलर में वीक कॉम पार्ट वन में हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मिसिंग वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये मिसिंग वैल्यूज़ आपको वो कैलकुलेट करने को कह रहा है। कंप्यूट द अबव क्वेश्चन मार्क्ड अकाउंट। सबसे पहले आपके पास यहाँ क्रेडिट सेल गिवन है, फिर उसमें से लेस किया आपने सेल रिटर्न, तो आपके पास नेट क्रेडिट सेल आई है, फिर कैश सेल और फिर टोटल सेल। यहाँ पर अगर हम जाके देखें तो हमारे पास क्रेडिट सेल गिवन नहीं है और हमारे पास कैश सेल गिवन नहीं है, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जितने जितने स्टेप्स दिए होंगे मैं उन स्टेप्स तक इनको सॉल्व करूँगी, इसके बाद हमें फाइनल ये दोबारा बनाना है और इसके अंदर ये वैल्यूज़ डाल के इसको पूरा करके देना है। तो सबसे पहली चीज़ क्रेडिट सेल, लेस सेल रिटर्न और नेट क्रेडिट सेल। जब हम ऊपर से आते हैं, यहाँ पर आपकी क्रेडिट सेल है, इसमें से लेस होता है सेल रिटर्न, तो आपके पास आती है नेट क्रेडिट सेल। लेकिन अगर मुझे सबसे ऊपर वाली वैल्यू में जाना तो मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, यानी कि रेसिप्रोकल मेथड करना पड़ेगा। ये 4 लाख है, ये इसमें से लेस हो के ये 4 लाख बना, तो जब आप उल्टा जाएंगे तो उसको आप क्या करेंगे, प्लस। तो 4 लाख में 10 प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्रेडिट सेल। फिर इसके बाद ये कैश सेल है और ये नेट क्रेडिट सेल है, इसमें से इस वैल्यू को आपने ऐड किया था तो ये वैल्यू आई है, तो अब इसमें से इस वैल्यू को लेस कर दें तो आप ये वैल्यू आएगी। तो ये मैं आपको यहाँ पे करके देती हूँ। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन फॉर क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल आपको मैंने बताया कि आपको नेट क्रेडिट सेल गिवन है, नेट क्रेडिट सेल मेरे पास कितनी है, 4 लाख। जब हम इसको रेगुलर फॉर्मेट से करते हैं तो हम यहाँ पे जो सेल होती है उसमें से इसको लेस करते हैं तो नेट सेल आती है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं इसमें ऐड करूँगी सेल रिटर्न, ऐड सेल रिटर्न्स एंड अलाउंस 10,000। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी 4,10,000, ये बनेगी वैल्यू क्रेडिट सेल की। तो दूसरी चीज मुझे मालूम करनी है वो है कैलकुलेशन फॉर कैश सेल्स। अब कैश सेल कैसे आती है कि क्रेडिट सेल में आप कैश सेल को प्लस कर दें, लेकिन यहाँ पे आपके पास टोटल सेल है, टोटल सेल हमें गिवन है 5,10,000 और हमारे पास क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल जो गिवन है वो ये है 4,10,000। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल है मेरे पास 4,10,000। कैश सेल में क्रेडिट सेल को प्लस करते हैं तो टोटल सेल आता है, मुझे टोटल कैश सेल मालूम करनी है तो टोटल सेल में से क्रेडिट सेल को मैं लेस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगी कैश सेल और क्रेडिट सेल है मेरे पास 4,10,000। इसको जब मैंने लेस किया तो मेरे पास आ जाएगा 1 लाख, ये मेरे पास आ गई है कैश सेल्स। यहाँ पर हमने क्रेडिट सेल में कैश सेल को प्लस किया है तो हमारे पास आ जाएगी टोटल सेल। जो टोटल सेल में से आपको क्रेडिट सेल को लेस करेंगे तो कैश सेल निकलेगी, तो मैंने ऐड लिख दिया था यहाँ लेस आएगा। नेक्स्ट चीज़ जो अब हमें मालूम करनी है वो मालूम करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, आगे जाके लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहली चीज़ दिखने लगेगी परचेजेस, फिर ट्रांसपोर्टेशन इन, और ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। तो यहाँ पे मैं पहले कैलकुलेशन करूँगी, कैलकुलेशन फॉर परचेजेस। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है परचेजेस, लेकिन उस पर जाने से पहले हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले मैं कैलकुलेट करूँगी कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम देखें तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को आप लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल सेल है और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी है, तो मैं सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स हम टोटल लेंगे, हमारे पास टोटल सेल है 5,10,000, इसमें से लेस कर देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास सवाल में गिवन है 2,30,000।
ये जो वैल्यू कैलकुलेट आएगी इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेल में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन हम यहाँ सेल में से लेस कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमारे पास आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,80,000। अब जब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ निकल के आ गया है तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखूँगी मैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम हो गया है। एंडिंग इन्वेंट्री हमें गिवन थी, एंडिंग इन्वेंट्री मैं यहाँ पर रख देती हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन भी गिवन था 500, वो वैल्यू भी मैं डाल देती हूँ। अब जो मेन वैल्यू है वो मुझे निकालनी थी परचेजेस की। तो सबसे पहले अगर हम सीधा आ रहे हैं तो सीधा में ये ऐड होता है और ये लेस होता है, लेकिन अगर मुझे यहाँ से रेसिप्रोकल करना है, उल्टा चलना है, तो 2,80,000 में से मैं 80 को माइनस नहीं करूँगी, यानी कि उल्टा चलने में ये लेस ऐड हो जाएगा, तो जब ये इसमें प्लस होगा तो ये बनेगा 3,60,000। और जब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगी तो ये सीधा चलने में ऐड होता है तो ये इसमें से हो जाएगा लेस, तो ये बनेगा 3,59,500। तो परचेजेस हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट होके आएंगी, यानी कि मैंने इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल मेथड से कर लिया। आप ये भी कर सकते हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखें, उसमें ऐड करें मटेरियल इन्वेंट्री और फिर उसमें से लेस कर दें ट्रांसपोर्टेशन, तो आपके पास परचेजेस कैलकुलेट होके आ जाएंगी। यहाँ आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें जो बाकी चीज़ें हैं, नीचे जाके हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, टोटल एक्सपेंसेस निकालने हैं, और इन सब की मैं कैलकुलेशन आपको करके देती हूँ। अब यहाँ सवाल में मेरे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस है 10,000, सैलरीज एक्सपेंस है 25,000, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन नहीं है और टोटल एक्सपेंस भी गिवन नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट गिवन है। और नेट प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट को लेस करूँगी तो मेरे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा, फिर मैं बाकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लूँगी। तो मैं हेडिंग लगाऊंगी कैलकुलेशन फॉर टोटल ऑपरेटिंग, टोटल एक्सपेंसेस कैसे आएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 2,30,000। नॉर्मली हम इसमें से लेस करते हैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमारे पास आ जाती है नेट इनकम, तो अब मैं यहाँ से लेस करूँगी नेट प्रॉफिट या नेट इनकम, जो कि हमें गिवन है 1,75,800। इसको माइनस करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल एक्सपेंसेस की। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54,200। अब इसमें हमें दो एक्सपेंसेस गिवन है, इंश्योरेंस एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस, जबकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू नहीं गिवन है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा, आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास 54,200, इसमें से लेस कर दें आप इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्योंकि सीधा चलने में हमने ऐड किया होगा, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको से लेस करेंगे तो 10,000, और सैलरीज एक्सपेंस की वैल्यू है हमारे पास 25,000। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो बनेगी वैल्यू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19,200। अब लास्ट में जो इसकी सिर्फ एक वैल्यू मालूम करने के लिए रह गई है वो है कमीशन इनकम, और यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट गिवन है और टोटल इनकम गिवन है। तो करना क्या है, सिंपल कि नेट प्रॉफिट में से आप कमीशन टोटल इनकम को माइनस कर दें तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी कमीशन इनकम की। तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर कमीशन इनकम, तो हमारे पास यहाँ पे कमीशन इनकम कैसे आएगी, आपके पास जो नेट प्रॉफिट है जिसको हम नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे तो बेहतर रहेगा, 1,75,800, इसमें से आप माइनस कर दें टोटल इनकम,
जो कि है 1,85,000। तो जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी वो बनेगी 9,200, और ये आपकी है कमीशन इनकम। तो ये सारी मिसिंग वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं। सिर्फ ये जो परचेजेस वाला है, अगर मैं आपको इसको रेसिप्रोकल मेथड से लिख के दूँ तो ये और एक्सप्लेन हो जाएगा और बेहतर होगा कि इसको रेसिप्रोकल मेथड से ही लिखें। तो मैं यहाँ पर आपको कर देती हूँ कैलकुलेशन फॉर परचेजेस। वहाँ पे मैंने आपको सीधे तरीके से करवाया था, लेकिन हमें इसे रेसिप्रोकल मेथड से लिखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें कैलकुलेट की थी वो थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको आप सबसे ऊपर लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास 2,80,000। यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ सीधा से आते हैं तो इसको लेस करते हैं। मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ तो ये मैं ऐड करूँगी, ऐड करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग जो कि है मेरे पास 80,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3,60,000। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। हम सीधा चलते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन को ऐड करते हैं, या आप उल्टा चल रहे हैं तो आपको लेस करना है ट्रांसपोर्टेशन इन। जो क्या है 500। इसको जब हमने लेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 3,59,500, और ये आपकी वैल्यूज कैलकुलेट होके आई हैं परचेजेस की। तो इस तरह से आपको सारी मिसिंग वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, और उसको कैलकुलेट करने के बाद आपको ये इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करके देना है। ये 2018 रेगुलर का क्वेश्चन था, इनकम स्टेटमेंट का, बीकॉम पार्ट वन के पेपर्स का, पास्ट पेपर्स का, कराची यूनिवर्सिटी का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।